So Julie, good morning, and here is a new day, and today we are starting our journey from the Lato. This is the Lato guest house. In the last video or and the last time I showed you about this guest house, कल शाम तक हम पहुँचे थे यहाँ से. अब सुबह सुबह 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करके निकलने को हैं इधर से सोमरोरी के लिए. जी हाँ, करीब 180 किलोमीटर की राइड है और करीब 60 किलोमीटर हम मनाली लिए हाईवे पर रहेंगे. तो रास्ता सही है, बाकी फिर बाद में ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बोल्डर्स वगैरह हैं. बाकी चांगला पास में भी तो आपने देखा ही, ओ माय गॉड कैसे वहाँ मतलब हैवी बोल्डर्स थे. चलिए कोई नहीं, फाइनली अपन रेडी हैं और हमारे यहाँ सामान वगैरह सब फिट हो रहा है. लोकेशन देख सकते हो आप, मतलब तानी ब्रो हमारे कैप्टन उधर हैं और महिंद्रा उनके ड्राइवर साहब सब सामान वगैरह पैक कर रहे हैं. सुमित जी कैसे आज ड्राइव करना चाहेंगे, आज तैयार हैं आज के लिए? ओके. और तुम विशाल? बहुत अच्छा है. मनात? यो मैन, बिल्कुल रेडी ब्रो, रेडी वो. आओ तुम तो हैवी ड्राइवर हो. राइडर नहीं ड्राइवर है. राइडर नहीं ड्राइवर है, सही बोल रहे हो. मतलब कोटेशंस पढ़ते हैं. चलो बढ़िया. हाँ, हमारा बहुत अच्छा लगा. बॉर्डर नहीं 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 बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी इधर आर्मी वाले हैं ना, सबके कोटेशन पढ़ते जाइए, एक नंबर का. सो कम ऑन गाइस, अब रास्ते में मिलते हैं, रास्ते का आनंद लीजिए और हम भी लेते हैं. कम ऑन. सो हेयर वी आर रेडी फॉर द सोमरोरी. रास्ता लंबा है, बस बने रहिएगा. कम ऑन गाइस. सेकेंड हाईएस्ट, बट आई डोंट नो क्या हिसाब किताब है. तांगला पास पहुँच गए, सारे दोस्त वगैरह फोटो शोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ पे और भी कुछ लोग आए हुए हैं. ये देखिए 17,583. ओके ठीक है. इंडियन फ्लैग्स, दे आर वेरी सेक्सी. ये हिसाब किताब हुआ तांगला. अब हम लोग यहाँ से देवरांग जाएंगे. देवरांग ऑलमोस्ट यहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर होगा और ये कोई होंगे बाबा सावा मंदिर है. हाँ मंदिर है. ओके बोले बाबा का है. चलो नाइस. तो आइए कम ऑन, देवरांग पहुँचते हैं. देवरांग से हम लोग आगे मुड़ जाएंगे ये मनाली ले हाईवे को हम छोड़ के सोमरोरी की ओर. सो कम ऑन गाइस. सो गाइस ये है मनाली ले हाईवे, बड़ा टनाटन हाईवे, एकदम मस्त वाली है समझे. लेकिन वही कि सोमरोरी जाने के लिए आपको यहाँ से कटना पड़ेगा और ये ऑफ रोडिंग होगी इस तरीके की, बिल्कुल इन घाटियों वादियों में चलते जाएंगे हम लोग, इस तरीके का हिसाब किताब है. लेकिन हुआ क्या है, हमारे कुछ नमूने लोग हैं वो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, मतलब अब पता नहीं कहाँ चले गए होंगे. तो वापस लाने के लिए विशाल गया है, वो पहुँचेगा, उसके बाद हम लोग इधर ऑफ रोडिंग करेंगे. सो आइए वेट करते हैं उनका, जब वो आते हैं उसके बाद चलते हैं. अब इधर काम ही चल रहा है समझे, काफ़ी ज़्यादा सड़क वगैरह का काम है, फ़ोटो शोटो ले रहे हैं. भाई ये रास्ता है बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, इतनी ऑफ रोडिंग, केवल धूल डस्ट, पूरी शरीर की ऐसे के तैसे हो गई, जूते का हाल तब देख रहे हो, कोई कर्म का बचा नहीं है जूता. ओह डैट वाज लिटरली मैन, असली राइड का मज़ा आ रहा है अभी. मतलब कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट कच्ची सड़क है. ये तो बीच बीच में कुछ कुछ सड़क है भी, उस टाइम जैसे हम लोग हाईवे से उतरे वो भी नहीं, कुछ नहीं. ए रेट में चल रही है गाड़ी, भाड़ 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 भाड़, एक गियर दो गियर, एक गियर दो गियर, मज़ा आ गया दोस्त. असली राइड लद्दाख का मतलब ही है राइड ब्रो, और लद्दाख में हमें ना से तो कुछ नहीं मिला मेरे को,
जस्ट राइड। सो आइए नज़ारे देखिए हम कहाँ पे हैं अभी। ओ माय गॉश दिस इज़ द ऑसम। अभी का कुछ जो मैकेनिक्स वगैरह हैं हमारी गाड़ियों के चेन वगैरह थोड़ा सा सही कर रहे हैं। सो कम ऑन गाइस। हाई फाई यस आना आप दो ये थैंक यू जूले जूले बाय 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 दे वेर द अमेजिंग मैन लिटरली। सो धीरे धीरे अपन लोग मंजिल की ओर पहुंचते हुए 40 किलोमीटर और होगा और रास्ते इससे है ना पूरे बोल्डर में। मतलब हम लोगों ने तो ट्रिक निकाला कि थोड़ी सी ये जो बोल्डरों में जो कांटेक्ट टाइमिंग है वो कम करो। कैसे भाई स्पीड बढ़ाओ 50-60 तीन गियर बात निकाले पड़े हैं। पीछे वाले भी जर्किंग उतना महसूस नहीं हो रहा है मेरे और मज़े से गाड़ी चल रही है तो एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं कंप्लीट करते हैं मतलब। लेकिन जो भी कहिए राइड का असली मज़ा तो आज ही है यार। वो जो रेत में गाड़ी भाट कर रही है रेत उड़ रहे हैं मतलब पूरे जूते देखिए भूसंड बचे ही नहीं है कुछ। सो आइए कम ऑन गाइस आगे बढ़ते हैं काफ़ी आगे जाना है। और यार इस तरीके का बोतल वगैरह मत छोड़ा करो पहाड़ों में समझे। पहाड़ों में बोतल छोड़ने का मतलब कि आप मदर नेचर को आप गंदा कर रहे हो। चलो ठीक है कम ऑन किसी का भी है अपन कब धो के लेके चलेंगे कम ऑन गाइस। लगाई थोड़े फोटो लिए मस्त वाले तरीके से। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए और कोशिश करेंगे कि अगला स्टॉप सोमरोरी है। सो आइए चलते हैं सोमरोरी की ओर कम ऑन गाइस। सो इन दिस वे गाइज आई जस्ट रीच द सोमरोरी। हालांकि अभी भी मेन पॉइंट जहाँ रुकने को का है जो व्यू पॉइंट वगैरह है यहाँ से 4-5 किलोमीटर और होगा। लेकिन यार क्या चीज़ है नेचर ना इतनी ऊंचाई पे एक मस्त वाला। अब देख सकते हो पानी कितना क्लियर एकदम क्लीन नीट एंड क्लीन। सो आइए चलते हैं अब जहाँ अपनी रेस्ट है वगैरह है जहाँ अपने मतलब रुकना है हम लोग को। सो कम ऑन गाइस।
Till then guys, take care of yourself and your belongings. See you. Bye bye.